हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड ज्योग्राफी लेसन नंबर 7, दैट इज सॉइल्स। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी के बारे में। ओके, सो लेट स्टार्ट। आप सबको पता है, आपने अपने गार्डन में देखी होगी, तालाब के पास गए होंगे, वहाँ पे देखी होगी, वहाँ की अलग मिट्टी होती है, गार्डन की अलग होती है। जो आपके घर के बाहर मिट्टी होती है गाँव वगैरह में, वो आप देखोगे डिफरेंट रहेगी, या फिर आप देखोगे जो खेतों में वहाँ की मिट्टी अलग रहेगी। तो कुछ डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। अगर हम बात करें जैसे अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग स्टेट की, तो वहाँ पे आपको मिट्टी अलग दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर जैसे कि बात करें महाराष्ट्र की, और अगर कंपेयर करें हम विद यूपी एंड मींस पंजाब, राजस्थान, वहाँ की मिट्टी से आपको यहाँ की मिट्टी अलग दिखेगी। यहाँ पे कहीं आपको काली मिट्टी दिखेगी, कहीं पे आपको रेड मिट्टी दिखेगी, ठीक है। आपको इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है। तो सॉइल मीन्स मिट्टी, ठीक है, जो अर्थ का ऊपरी क्रस्ट होता है, ठीक है। हमें पता है अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, तो अर्थ का जो ऊपरी लेयर होता है, जो ऊपर का क्रस्ट होता है, वही क्या होता है, वो मिट्टी से बना होता है, ठीक है। उसके नीचे नीचे तो बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर उसके नीचे में पता है उसके कोर में क्या होता है, आग होता है, पूरा लावा होता है गर्म, तभी तो ज्वालामुखी के थ्रू वो बाहर निकलता है, समझा आपको। जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, ऊपर की लेयर है जो, वो होता है क्या, वो होता है आपका मिट्टी। ओके ओके, मीन्स सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो सॉइल क्या होती है, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट, ये अर्थ है अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है, लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के जो ऊपर वाला लेयर है, वही क्या होता है, सॉइल। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं सॉइल के, तो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट पैरेंट रॉक्स, बायोटिक एंड एबायोटिक मैटर, ठीक है। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर, जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर का, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको लिख के दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रॉम वेयर डू द एबायोटिक फैक्टर्स बिकम अवेलेबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कहाँ से जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, मतलब सॉइल फॉर्मेशन में एबायोटिक फैक्टर्स कैसे मतलब कि अवेलेबल होते हैं कहाँ से। सो द फैक्टर्स ऑन विच वेराइटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स आर द पेरेंट रॉक्स, ओके, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, बायोटिक मटेरियल एंड टाइम। ये सारी चीज़ें अभी आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, सबका आंसर हम देखने वाले हैं। ऑन विच फैक्टर्स डज द वेराइटी इन द सॉइल डिपेंड, तो यहाँ पे क्या है, इसी का आंसर मैंने आपको बताया, ऑन विच डज द वेराइटी इन द सॉइल डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है सॉइल, वो हुआ इसका आंसर जो मैंने अभी आपको बताया। फ्रॉम वेयर द एबायोटिक फैक्टर्स बिकम, तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। While answering the questions above, you must have gathered some information about soil and realize some of its characteristics. Let us consider the soil in more detail. चलो अब हम यहाँ पे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। The parent rock means what? Parent rock means you can say like main, ठीक है। Parent rock का मतलब ही क्या है, main rock, जो main होता है। Parent, जैसे कि हम देखते हैं कि parents, जो हमारे parents होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मतलब उनसे हमारी हम पैदा होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पेरेंट, जो पेरेंट रॉक होते हैं, इन्हीं रॉक से क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है बाद में, प्रोसेसिंग के थ्रू कुछ इसके प्रोसेस होते हैं, जो कि मिट्टी बनती है, मिट्टी के पार्टिकल्स बनते हैं, बने किससे, जो रॉक से बने, ठीक है, रॉक से बने, बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे मिट्टी बनती है, क्या बनती है, सॉइल, ठीक है, सॉइल बनती है। तो ये सॉइल के क्या होंगे, पेरेंट ही होंगे ना, इसीलिए बोला गया पेरेंट रॉक मीन्स मेन रॉक, ठीक है, जिससे मिट्टी बनी, जिस रॉक से, उसको बोला गया पेरेंट। द क्लाइमेट, द पेरेंट रॉक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको इसका आंसर। द पेरेंट रॉक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, द बायोटिक मटेरियल, द स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनता है, तो ये सारे रीजन है। क्या रीजन है, मिट्टी बनने के, मिट्टी बनता कैसे है, यहाँ पे ये बताया गया है कि मिट्टी कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, मिट्टी जो बनती है उसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो पहले तो पेरेंट रॉक, जिससे कि वो मिट्टी बनेगी, इतना याद रखिए, जो मिट्टी होती है ना, वो रॉक से बनती है, बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं ना, उसी से बनती है। अब आप सोचो कि वो इतना कठोर हार्ड रहता है, मिट्टी इतनी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्रोसेसिंग होती है,
ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ से झरने वगैरह निकलते हैं, तो वहाँ के आपने देखा होगा कि जो पत्थर होते हैं कैसे वो गोल गोल चिकने चिकने हो जाते हैं, कैसे फ्रिक्शन के थ्रू इतना ज़्यादा पानी का होता है, जो कटाव होता है पानी का इतना ज़्यादा जो होता है, उसकी वजह से हम देखते हैं स्टोन में चेंजेस आ जाते हैं, तो स्टोन से मिट्टी भी बन सकती है, सिंपल है ना। तो पेरेंट रॉक क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उस रीजन का, ठीक है, जहाँ की मिट्टी कैसी है, जैसे मान लीजिए कि मुंबई की मिट्टी जो है, महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है, कहीं पे ब्लैक कहीं पे आपको रेड देखने को मिलेगी, तो वो ऐसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसका रीजन ऐसा है, ठीक है, वहाँ के जो रॉक हैं वो रॉक कुछ इस तरीके से हैं, रेड या ब्लैक हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक कलर की। बायोटिक मटेरियल, बायोटिक मटेरियल व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज़ जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके सड़ने के बाद जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में अगर आप देखो कोई एनिमल्स वगैरह जैसे यहाँ पे मरे पड़े हैं, ठीक है, धीरे धीरे देखोगे आज थोड़ा सा ठीक ठाक उसकी कंडीशन, कल थोड़ा सा और वो क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे 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 वहाँ से ख़त्म ही हो जाता है, गायब ही हो जाता है, कहाँ गया वो, तो वो अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना उसे खा जाते हैं, और वो जो भी उसके पार्ट्स होते हैं ना डीके के मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी में ही वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बायोटिक मटीरियल, द स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम आर फैक्टर्स, तो ये कुछ जो टाइम है, ठीक है, समय, धीरे धीरे समय क्या करता है उसको चेंज कर, उसके फॉर्मेशन में, मिट्टी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं सॉइल फॉर्मेशन को। क्या क्या, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, बायोटिक मटेरियल, द स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन, ये कुछ फैक्टर्स हमने देखे जो मिट्टी को बनाने में प्रभावित करते हैं, ठीक है, मतलब इनके थ्रू ही मिट्टी बनती है। नाउ फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन, अब क्या फैक्टर्स हैं जो नेसेसरी हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, अब भी जो हमने पढ़ा, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टाइम के बारे में, पेरेंट रॉक के बारे में, यहाँ तो हमने जस्ट देख लिया एक डेफिनेशन के थ्रू, सॉइल फॉर्मेशन का एक हमने डेफिनेशन जैसा देख लिया है, लेकिन अब डेफिनेशन में जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, ठीक है। तो पहला क्या हमने पढ़ा, पेरेंट रॉक, तो पहले हम पेरेंट रॉक ही पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, तो पहला जो है पेरेंट रॉक, रिमेंबर दैट द पेरेंट रॉक इन अ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, ये याद रखिए कि जो पेरेंट रॉक है ना, जो वहाँ के चट्टान हैं, जो बड़े बड़े स्टोन हैं, रॉक्स हैं, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन से, सॉइल के फॉर्मेशन में, मिट्टी को बनाने में उनका ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द रॉक एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन द रॉक गेट्स वेदर्ड, तो डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस, इतना जो हार्डनेस ऑफ द रॉक, मतलब कि डिपेंड करता है कि जो वो रॉक है वो कितना हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट है या बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो डिपेंड करता है उसके हार्डनेस पे रॉक के, और वहाँ का उस क्षेत्र का, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, जो वहाँ का एटमॉस्फियर है, क्लाइमेट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फबारी होती है, किस तरीके का क्लाइमेट है वो पूछ रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस रीजन का, उस क्षेत्र का, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। रॉक गेट्स वेदर्ड, मतलब कि इसी तरीके से जो रॉक्स हैं वो वेदर्ड होते हैं, वेदर्ड मीन्स वॉट, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वेदर्ड का मतलब होता है एक प्रोसेस होती है जो कि हम देखते हैं कि मीन्स इट्स लाइक अ प्रोसेस, ओके, मीन्स क्लाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रॉक्स टर्न्स इंटू अ मीन्स प्रोड्यूसिंग मटीरियल, ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि वेदर्ड एक प्रोसेस होता है जो कि रॉक को क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, मिट्टी में, कैसे करता है वो देखते हैं। द रॉक टर्न्स इंटू पाउडरी मटीरियल विच फर्दर टर्न्स इंटू अर्दी मटीरियल, पहले क्या होता है जो रॉक होता है ना वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो छोटे 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 एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है, फिर धीरे धीरे यही मटीरियल क्या होता है आगे चल के अर्दी मटीरियल, मतलब अर्दी मिट्टी जैसे मटीरियल में ये कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बसाल्ट रॉक ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र टर्न्स इंटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये है रॉक्स बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन लाइट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है,
ठीक है, गर्मी के बाद ये क्या होता है, एकदम गर्मी से क्या होते हैं, एक इस पर अलग ही इफेक्ट पड़ता है, जोर से आई बारिश, ठीक है, मान लो बारिश आई जोर से, इसमें थोड़े थोड़े क्रैक हो जाते हैं, आपको पता है धूप की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो या फिर ज़ोर ज़ोर से बारिश आई तब भी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आते हैं तो इसमें पानी क्या होते हैं, भर जाते हैं, पानी क्या होते हैं, भर जाते हैं, और फिर ठंडी के टाइम में क्या होगा, ठंडी के टाइम में यही जो पानी भर गए हैं ये क्या करेंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे ना, बर्फ़ बन जाएंगे, तो जब फ्रीज़ होने के बाद क्या होता है, पानी बढ़ जाता है, पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जब बढ़ेगा तो ये और खिसकाएगा इसको, इन रॉक्स को इधर इस तरीके से खिसकाएगा, ठीक है, खिसकाने से वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक होने लगेंगे धीरे धीरे, और गहराता जाएगा, ब्रेक होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे, और फिर क्या होता है धीरे धीरे, और कभी कभी जब ज़ोर ज़ोर से बारिश होती है ना तब भी ये कटने फटने लगते हैं, गिर हम देखते हैं ना कितनी लैंडस्लाइड होने लगती है, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, तो ये पत्थर गिरते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आते हैं, फिर और भी ज़्यादा हवाएं तेज़ चलती हैं, और बारिश होती है, और धूप लगती है, उसकी वजह से ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब रेती जैसे हो जाते हैं, फिर और कुछ प्रोसेसिंग इस तरीके से कई सालों साल तक चलती रहती है, और धीरे धीरे ये किस में बदल जाते हैं, मिट्टी में, इसी को कहते क्या हैं, इसी को कहते हैं वेदर्ड, मैंने अभी आपको समझा दिया वेदरिंग एंड वेदर्ड व्हाट इज़ इट, ओके, वेदर्ड क्या है, वेदरिंग क्या है, समझ में आया आपको, जो वेदर का मतलब होता है मौसम, और मौसम की वजह से जो ये रॉक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रॉक्स से बन जा रहा है, ये सॉइल बन जा रहा है, उसी को बोला जा रहा है वेदर प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि मौसम की वजह से, वेदर की वजह से ये होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया वेदर्ड, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है, बसाल्ट रॉक का, बसाल्ट एक तरीके का रॉक होता है जो काला होता है, काफ़ी मजबूत भी होता है, तो ये कहाँ पे होता है, डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र में, जो कि ये ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। अब जब पत्थर ही ब्लैक है तो मिट्टी जब बनाएंगे तो मिट्टी जब बनेगा तो क्या बनेगा, ब्लैक ही बनेगा, अगर यहाँ पे रेड होता ये पत्थर तो रेड यहाँ पे बनता, ओके ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बसाल्ट रॉक जो होता है डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र में, वो यहाँ पे ब्लैक सॉइल फॉर्म करता है आफ्टर वेदरिंग, जो प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया, वेदर का मतलब, वेदर का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपका महाराष्ट्र का जो ये आपका पार्ट है, तो महाराष्ट्र में एक देखो डेक्कन प्लेटू है, तो यहाँ का देखो ये जो ये पूरा पार्ट है, तो ये कैसा है, ये यहाँ का रॉक कैसा है, ब्लैक है, ये आपको ये जो रेड कलर में दिखाया गया ना, ये बताया गया कि आपको ये पार्ट, रेड कलर मत देखो, ये पार्ट इतना डेक्कन प्लेटू का है महाराष्ट्र में, तो ये कैसा यहाँ पे है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल क्यों, क्योंकि जो पेरेंट रॉक है वो कैसा है, वो ब्लैक है, ओके, तो बसाल्ट जो है वो बसाल्ट जो रॉक है, बसाल्ट रॉक है, और उसकी वजह से यहाँ पे सॉइल भी कैसी होती है, ब्लैक होती है आफ्टर वेदरिंग। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो रिफर टू एज रेगर सॉइल, और इस सॉइल को रेग्यूर, कहीं कहीं पे आपको रेगुलर पढ़ने को मिलेगा, कहीं कहीं पे रेगर, ओके, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, रेगर सॉइल, ओके, तो इसका नाम रेगर सॉइल भी है। रॉक्स लाइक ग्रेनाइट और नाइस, नाइस दैट इज नाइस, ओके जी साइलेंट, सो ग्रेनाइट और नाइस इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया गिव राइज टू रेड सॉइल। रॉक्स जो ग्रेनाइट है, नाइस है, ये कैसे रेड कलर में है, इसलिए जब पेरेंट रॉक ही रेड कलर है तो उसकी सॉइल भी कैसी हो बनेगी, रेड बनेगी, ओके, तो यहाँ पे दो सॉइल का यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, एक तो बसाल्ट रॉक से जो बना है हमने देखा डेक्कन प्लेटू में, वो कैसा है, ब्लैक सॉइल है, जबकि एक ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट सॉइल रॉक है, पेरेंट रॉक है, तो उसकी वजह से रेड है, तो उसकी मिट्टी भी कैसे है, रेड है, लेकिन कहाँ पे, साउथ इंडिया में। पहला फैक्टर हमने क्या देखा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला फैक्टर हमने देख लिया पेरेंट रॉक, ठीक है, मतलब रॉक का हमने देख लिया पेरेंट रॉक, और दूसरा हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, क्लाइमेट रीजन देखेंगे हम, ठीक है, पेरेंट रॉक देख लिया हमने, दूसरा फैक्टर देखते हैं रीजनल क्लाइमेट, जो जो एरिया है वहाँ का, जो स्टेट है, जो एरिया है वहाँ का, मिट्टी कैसा है, वो डिपेंड करता है रीजनल क्लाइमेट पे भी, क्लाइमेट क्या है वो मैंने समझा दिया आपको पहले ही। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर है बहुत बड़ा सॉइल फॉर्मेशन में, जो इन्फ्लुएंस करता है सॉइल को। वेदरिंग ऑफ द रॉक इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो वेदरिंग ऑफ द रॉक, रॉक की जो वेदरिंग है, प्रोसेसिंग है, फर्स्ट स्टेप प्रोसेस, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे भी, ठीक है, क्लाइमेट पे भी, क्लाइमेट जो रीजन, जो क्षेत्र है वहाँ का क्लाइमेट कैसा, ये डिपेंड करता है वेदरिंग प्रोसेस पे, ठीक है।
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस एरिया का जैसा क्लाइमेट है वो क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करेगा सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, द क्लाइमेट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग। क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वेदरिंग कितनी इंटेंस होगी। जैसे बहुत तेज़ वहाँ पे धूप होती है तो बहुत तेज़ धूप की वजह से उसमें क्रैक्स आएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग जो, तो जितना ज़्यादा वहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा उस तरीके की वेदरिंग भी होगी। ठीक है, दैट इज़ वाई वन एंड द सेम टाइप ऑफ रॉक गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स व्हेन द रॉक इज एक्सपोज टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। इसीलिए क्या होता है, एक सेम रॉक, सेम टाइप का रॉक क्या करता है, डिफरेंट टाइप का सॉइल बना देता है। ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से। कहने का क्या मतलब है कि एक ही तरीके का रॉक है लेकिन वो अगर यहाँ पे मान लो कि एक ये रीजन है एक बी रीजन है और ये एक ही तरीके का मिट्टी है मतलब रॉक है, लेकिन यही रॉक यहाँ पे भी है और यहाँ पे मान लो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी का कलर अलग होगा और वही वही रॉक है लेकिन यहाँ पे इस मिट्टी का कलर चेंज हो सकता है अगर यहाँ पे बहुत गर्मी है और यहाँ पे कैसा है मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ड्राई वेदर है और यहाँ पे कैसा है बहुत ह्यूमस है बहुत गर्मी वाला है, यहाँ पे ड्राई है यहाँ पे ड्राई है। ये समझिए कि दो अलग अलग डिफरेंट जगहों पे, अलग डिफरेंट जगहों की बात नहीं करूँ, डिफरेंट क्लाइमेट अगर है और रॉक सेम है एक ही रॉक है बट यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग है तो भी मिट्टी में यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेक्कन प्लेटू, अभी हमने देखा था डेक्कन प्लेटू में क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है, एकदम ड्राई है। ठीक है, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में काफ़ी ड्राई क्लाइमेट है तो डेक्कन प्लेटू पे हम देखते हैं वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लेट। जो बसाल्ट रॉक हमने पहले ही देखा था कि बसाल्ट की वजह से मिट्टी कैसी होती है, काली होती है क्योंकि ब्लैक रॉक है वो। तो वेदरिंग प्रोसेस के दौरान जो बसाल्ट है वो कैसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल हमने देखा था, मैंने अभी आपको दिखाया था मैप में किस तरीके से वहाँ पे बताया गया है कि हमने ये ऊपर भी पढ़ा है कि जो ये बसाल्ट रॉक है उसकी वजह से सॉइल कैसी है, ब्लैक है। ठीक है, लेकिन जबकि ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न सह्याद्री द लीचिंग ऑफ द सेम बसाल्ट रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइटिक सॉइल। ठीक है, लेटराइटिक सॉइल कहने का मतलब ये है कि वही सेम पत्थर, वही सेम रॉक, ठीक है, जो बसाल्ट रॉक है वही सेम कहाँ पे है, वेस्टर्न सह्याद्री में। वो क्या करता है यहाँ पे, वेस्टर्न सह्याद्री में यहाँ पे क्या डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसा यहाँ पे रॉक रहेगा, लेटराइटिक सॉइल रहेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेटराइटिक सॉइल यहाँ पे बनाता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ह्यूमिड है। ठीक है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए यहाँ का जो मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसे देखने को मिलेगी, लेटराइटिक सॉइल। ओके, तो समझा आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब वेस्टर्न सह्याद्री में रॉक एक ही है बसाल्ट है लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बसाल्ट रॉक है और ये मान लिया मैंने आपका क्या है, ये डेक्कन प्लेटू है और ये मैंने मान लिया आपका कि क्या है, वेस्टर्न सह्याद्री है। यहाँ पे क्या बना, ब्लैक सॉइल बना लेकिन यहाँ पे क्या बना, लेटराइट सॉइल बना मतलब रेड सॉइल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, लीचिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे मतलब बारिश बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश बहुत है इसलिए क्या हुआ यहाँ पे उसकी वजह लीचिंग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो उसमें जो सॉल्ट रहता है वो वॉश हो जाता है, मतलब ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से वो लीचिंग का मतलब होता है ज़्यादा वॉश करना या उसके अंदर के जो सॉल्ट है वो निकल जाना, उसको बोलते हैं लीचिंग। तो निकल जाने से यहाँ की जो मिट्टी है, जो मिट्टी बनती है फॉर्म होती है वो लेटराइट सॉइल होती है, रेड कलर में होती है, जबकि वो डेक्कन प्लेटू में कैसा था, वहाँ का ड्राई एयर है वहाँ पर बारिश नहीं है इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक सॉइल बनती है जबकि यहाँ पे लेटराइट सॉइल। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से क्लाइमेट ने इसे मतलब कि इन्फ्लुएंस किया, रॉक एक ही था बट यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से चेंज हो गया दोनों का अलग अलग। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर हम क्या देखेंगे, बायोटिक। पहला हमने देखा पेरेंट रॉक, फिर हमने देखा क्लाइमेट रीजन, अब हम देखेंगे बायोटिक मटीरियल। क्या फैक्टर है बायोटिक मटेरियल, क्या कैसे किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले करता है सॉइल को फॉर्म करने में, सो लेट्स सी। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टर्न्स देम इनटू पाउडरी मटेरियल बट दिस पाउडरी मटेरियल इज़ नॉट सॉइल।
तो जो वेदरिंग प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस क्या है बता दिया आपको, जो वेदर की वजह से जो इंटेंस गर्मी हो, बारिश हो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, उसकी वजह से जो ब्रेक होते हैं रॉक्स, उसकी वजह से जो छोटे 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 पार्टिकल्स बनते हैं, फिर और हवा चलता है और बारिश होती है, धीरे 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 काफ़ी समय के बाद वो क्या होता है, मिट्टी बन जाता है। तो जो ये वेदरिंग होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है, ये जो रॉक्स एकदम बारीक हो जाते हैं, पाउडरी फॉर्म में हो जाते हैं, लेकिन ये पाउडरी मटेरियल तब तक सॉइल नहीं बनता, ठीक है, वो एक रेती की तरह रहेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो आप राजस्थान में या गुजरात में कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सैंड, वहाँ पे कैसा है पूरा, क्योंकि वहाँ का भी जो मौसम है, जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए आप देखो वहाँ पे सैंड ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ की मिट्टी में आपको सैंड ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है, गांव वगैरह में क्या बोलते हैं उसे, बलुई मिट्टी, मिट्टी तो बहुत बलुई है, इसमें अच्छी फसल, जैसे कि अगर हम बात करें धान वगैरह की, तो वो चावल की खेती उसमें अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, तो इस तरीके से क्या बोला गया यहाँ पे, ये जो पाउडरी मटेरियल है ना, ये सॉइल नहीं है, सॉइल कब बनता है, टू टर्न सच पाउडरी मटेरियल इंटू सॉइल, तो इस पाउडरी मटेरियल को जो एकदम पतला रेती जैसा हो गया है एकदम से प्रोसेसिंग के दौरान, इस मटेरियल को, ये पाउडरी मटेरियल सॉइल में कब कन्वर्ट होगा, इट इज़ नेसेसरी दैट बायोटिक मटेरियल गेट्स मिक्सड इंटू इट। जो बायोटिक मटेरियल है, मैंने आपको बताया था बायोटिक मीन्स वॉट, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, प्लांट्स, प्लांट्स के पत्ते, रूट्स, ये सारी चीज़ें वो आते हैं बायोटिक, मतलब लिविंग, बायोटिक मतलब कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, ओके। तो जब तक वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, बहुत सारे उसमें प्लांट्स वगैरह एंड एनिमल्स वगैरह जब उसमें मिक्स नहीं होते, बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स जब तक उसमें डिके नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, तब तक वो पूरी तरीके से मिट्टी नहीं बनता। द बायोटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, ये देखो यहाँ पे बता दिया है आपको खुद ही, द बायोटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम, बायोटिक मटेरियल कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोज होते हैं, जो सड़ते गलते हैं, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के बच्चे खुचे जो रिमेन्स हैं, एनिमल्स के जो बॉडीज हैं, वो सब जब उस रीजन में मिक्स हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं उस मिट्टी में, तो वो बनते हैं बायोटिक, ठीक है, वो बायोटिक होता है और उसमें मिक्स होता है तो वो सॉइल बनता है। द वेजिटल लीटर्स, और क्या इसमें मिक्स होता है बायोटिक, और क्या है वेजिटल लीटर्स, यानी कि जो घास फूस हैं, पत्ते हैं, सब्जियों के जो क्रॉप्स के जो हैं, ठीक है, जो पेड़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, रूट्स ऑफ प्लांट, जो जड़ें हैं, एनिमल्स के रिमेन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज होती है वाटर के, वाटर मिक्स होके, बारिश हुई, बहुत सारे फसल थे, उसके फसल के जो उस पर से जो क्रॉप्स थे वो ले लिया, और ये क्रॉप्स इस तरीके से, ये जो फसलें पड़ी हुई हैं, तो वो क्या हो जाता है, इसमें सड़गल के क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, एनिमल्स मर गए यहाँ पे, इधर इधर मर गए यहाँ पे, क्या होता है, धीरे धीरे माइक्रोब्स इसे खा जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, प्लांट्स गिर गए, पेड़ पौधे गिर गए, उनकी पत्तियाँ झड़ती हैं, जो पत्तियाँ इतनी सारी झड़ती हैं कहाँ जाती हैं, वो धीरे धीरे उसी में सड़ वड़ के क्या, डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जो ये सारी चीज़ें डेड रिमेन्स जो एनिमल्स के हों, चाहे जो वेजिटल लीटर्स यानी कूड़े करकट जो होते हैं, वेजिटल यानी जो हर्ब्स के, पेड़ पौधे के, क्रॉप्स के, वो सारी चीज़ें उनके, तो ये सब क्या हैं, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं बायोटिक। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प डीकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स, जो ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं ना, ये प्लांट्स एंड जो डेड एनिमल्स हैं, जो क्रॉप्स के फसल पत्ते वत्ते सूखे सारे जितने भी कचरे हैं, उन सबको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं और कुछ अलग अलग और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में, मैंने आपको साइंस में पढ़ाया है, ठीक है, लेसन नंबर 11 में सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा है, तो आप ज़रूर देखना उसको, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से माइक्रोब्स ये सारे हेल्प करते हैं। द बायोटिक मटीरियल दस प्रोड्यूस्ड गेट मिक्सड इनटू द सॉइल्स एंड इज कॉल्ड ह्यूमस, और ह्यूमस कहाँ पे होते हैं, ह्यूमस जो ऊपरी लेयर होता है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं वहाँ पे ह्यूमस होता है, ह्यूमस किसे कहते हैं बोलते हैं, तो बायोटिक मटेरियल जो होते हैं, बायोटिक मटेरियल भी आपको समझ में आ गया ना, लिविंग थिंग्स जो उनके डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, सड़ के जब वो मिक्स हो जाते हैं मिट्टी के साथ, तो ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं, द बायोटिक मटीरियल दस प्रोड्यूस्ड गेट मिक्सड इनटू द सॉइल एंड इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ह्यूमस कहाँ होते हैं, जहाँ पे हमारे क्रॉप्स, और देखो कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब इस तरीके से ह्यूमस की वजह से ही तो क्रॉप्स हमारे इसमें अच्छे उगते हैं,
ठीक है, डेड रिमेन्स की वजह से इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है जो मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से इनको क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है इनको, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है जिसकी वजह से ये अच्छे ग्रो करते हैं। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस ह्यूमस इन द सॉइल इज़ ग्रेटर, द सॉइल बिकम फर्टाइल। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, जितने ज़्यादा डेड रिमेन्स आपको पत्ते कुछ सूखे, हम क्या देखते हैं कि हम जितने भी इस तरीके से होते हैं ना, क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं मिक्स करते हैं, बायोगैस आपको आपने सुना होगा, और क्या करते हैं जो लोग मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें अपने घर की जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने छिलके होते हैं सब इसमें इसमें क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाद में धीरे धीरे क्या होता है ये सड़ जाता है, और यही सारी चीज़ें क्या करते हैं खेत में डालते हैं, अच्छी फसल होती है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होगी ह्यूमस की, और ह्यूमस क्या है मैंने बता दिया पहले ही, ह्यूमस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी मिट्टी में, तो जितनी ज़्यादा होगी सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसमें उतने ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे होंगे। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डीकम्पोज होता है मिट्टी में, जो मिक्स हो जाते हैं, और ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, डेड रिमेन्स, पत्तियाँ, पेड़ गिरे, जंगल अगर उनके पेड़ वेड़ गिरे, ठीक है, पत्तियाँ उनकी आईं, उनके रूट्स हैं जो, वो सारी चीज़ें क्या होती है कंटिन्यूसली ये इस तरीके से डिकम्पोज होती रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, नाउ वडेज आजकल की अगर बात करें, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज़ अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल। ये जो वर्मी कंपोस्ट वाला ये आइडिया है ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है। इस पे होता क्या है, मान लो कि ऐसे इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, इस एक ऊंचा सा इस तरीके से बना दिया, और इसमें क्या करेंगे, अपने घर के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी छिलके वगैरह हैं, सब ला के इसमें भरेंगे, इसमें ला के भरेंगे, इसमें ला के डालेंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें क्या कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट, इसमें जो अर्थवर्म होते हैं ना, उनको ला के इसमें डाल देते हैं, माइक्रोब्स डाल देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट मतलब वो जो अर्थवर्म होते हैं, वो अर्थवर्म की बात कर रही हूँ, तो वो उसमें ला के डाल देते हैं, और वो क्या करते हैं, जो अर्थवर्म आपने कभी खेत में देखा होगा, तो ऐसे मिट्टी कैसी होती है, गोल गोल दिखती है हमें, एकदम चिकनी चिकनी मिट्टी, वो क्या करते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो मिट्टी खाते हैं, और वो फिर वही मिट्टी क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब वो निकाल देते हैं, और फिर वो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये वर्मी कंपोस्ट वो डाले जाते हैं उसमें, और फिर वो क्या करते हैं, पूरा सड़ा देते हैं उसको, पूरा एकदम मिट्टी बना देते हैं, और जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं डिकम्पोज हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कहते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है ना, वो उसके लिए वही यूज़ करते हैं लोग, वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे सॉइल के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एयर के लिए, हर चीज़ के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। तो ये अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट कैसे प्रोसेस कैसे प्रोड्यूस की जाती है, और मैं आपको बताऊँ जो काउडंग होते हैं, ठीक है, जो गोबर होता है गाय भैंस बकरी जितने भी होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, उनको भी इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से होता है, उसमें ला के डालते हैं, ठीक है, बायोगैस होता है जो, इसमें ला के डालते हैं, और इसके क्या करते हैं, इससे क्या हीट रिलीज होती है, और इससे मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि इसके थ्रू वो अपना खाना भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में जो रिमेन्स बचती है वो चीज़ें क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। दोनों दो चीज़ें फ़ायदा हुई यहाँ पे, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, जितने भी गोबर होते हैं ना, जाके वो क्या करते हैं, अपने खेतों में डाल देते हैं, अपने खेतों में डाल देते हैं। राख जो होती है चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं, वो भी क्या करते हैं, जाके खेतों में डाल देते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें खेतों में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ज़मीन उससे, ठीक है, वो एक मैन्योर की तरह होता है, मैन्योर ही होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए। सो प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट नीड सफिशियंट पीरियड ऑफ टाइम एंड एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर, हीट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर, हीट, ये सारी चीज़ें हैं जो कंपोस्ट के लिए मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब हमने क्या देखा, हमने देख लिया क्या क्या देखा, सॉइल को फॉर्म करने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो देखा पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट रीजन भी देख लिया, बायोटिक मटेरियल भी देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, टाइम देखेंगे। ओके, अब टाइम की बात करते हैं यहाँ पे। सॉइल फॉर्मेशन इज अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस, ये याद रखिए, सॉइल क्या है, सॉइल बनने की जो ये प्रोसेसिंग है ना, ये नेचुरल होता है, इसे कोई बना नहीं सकता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, मिट्टी बहुत ही जल्दी तैयार, इतने हार्ड रॉक्स हैं, आप मुझे बताइए, हार्ड रॉक्स हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू ही, वो पहले कैसे इसमें ब्रेकिंग आएगा, मतलब ब्रेक होगा, ये ब्रेक्स होंगे ये रॉक्स, फिर इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, फिर और भी इस तरीके से वेदरिंग होता रहेगा, फिर और छोटे होंगे, फिर और छोटे होंगे, दूसरे पत्थर आके इस पर गिर जाते हैं, तो ये और ज़्यादा
क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में हो जाते हैं, फिर भी वो रेती रहते हैं, बालू जैसे रहते हैं, सीमेंट मतलब रेती जैसे रहते हैं, सैंड की तरह। फिर और प्रोसेसिंग होती है कई सालों साल तक, तब जाके इसमें कई सारे जो बायोटिक लिविंग थिंग्स हैं वो मिक्स होते हैं, तब जाके ये मिट्टी तैयार होती है। इजी प्रोसेस नहीं है। सो इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत लंबा टाइम लेता है टू फॉर्म अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ टॉप सॉइल। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल लग जाते हैं यहाँ पे, हजारों साल लग जाते हैं सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर, एक मोटी जो मतलब 2.2, अब आप समझ ही रहे होंगे कि 2 सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर जो इतना मोटा लेयर बनाने के लिए, ऊपर का जो परत है बनने के लिए, जो सॉइल बनने के लिए, हजारों साल लग जाते हैं। और यहाँ पे जब हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बारिश आती है ज़ोर ज़ोर से, मिट्टी सारी बह के चली जाती है, कहाँ पे, नदी में, नालों में, समुंदर में जाके बह जाती है, खेती कहाँ से होगी। तो जितने भी यहाँ पे ह्यूमस वगैरह थे, जो फर्टाइल ज़मीन थी, फर्टाइल सॉइल थी, वो तो बह के चली गई, तो क्रॉप्स अच्छे कहाँ से होंगे। तो लोग क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें सब क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें यूरिया वगैरह डालेंगे, जो हमारे लिए अलग अलग बीमारियाँ पैदा करती हैं। ओके, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू मे अंडरस्टैंड दैट सॉइल आर इनवैल्यूएबल। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, आप समझ सकते हो, क्योंकि इतने हजारों साल में वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है, इतना थिक लेयर, तो क्या बहुत सालों साल हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द रीजन ऑफ हायर रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर, और अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ फास्टर। अगर जहाँ पे बहुत बारिश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो रॉक्स हैं, अब ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये क्या होते हैं, ये फैलते हैं, ठीक है, फैलने की वजह से फिर अब ज़ोर ज़ोर से बारिश हो गई। और अगर मान लिया मैंने कि पहले बारिश ही हुई, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये बारिश की वजह से तो कितने सारे लैंड्स हम देखते हैं कि टूटते फूटते गिरते रहते हैं, और उसमें क्या हुआ, बहुत गर्मी भी होती है तब भी इस तरीके से ब्रेक्स होने लगते हैं, इस तरीके से, ठीक है, फैलने लगते हैं, बारिश आया और जब इस तरीके से उसमें पानी भर गया क्रैक्स में जो हैं, तो उसके बाद बारिश ठंडी आया तो उसमें ये फ्रीज हो जाते हैं, और ये इस तरीके से धक्का पुश करते हैं दोनों तरफ, और फिर क्या होता है, फाइनली ये ब्रेक होके गिर जाता है, और फिर जब टूट जाता है एक बार, तो वो उसको और भी पार्टिकल्स धीरे धीरे वो बारिश की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो होता रहता है, जल्दी प्रोसेसिंग उसकी जल्दी होती है और यहाँ पे मिट्टी जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है। कंपेरेटली इन रीजन्स ऑफ लो टेम्परेचर, अगर जहाँ पे लो टेम्परेचर है, मतलब कि ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे, मान लो कि टेम्परेचर मतलब तापमान कम है, ठंडी ज़्यादा है एंड लो रेनफॉल, सिंपल सी बात है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मोर टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और लो रेनफॉल होगा, बारिश भी कम टेम्परेचर भी कम, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, खूब गर्मी भी लगती है, बारिश भी खूब होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी जल्दी बनेगी। ह्यूमंस यूज़ द सॉइल गिफ्टेड बाय नेचर एज अ रिसोर्स। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस ने क्या किया, जो सॉइल गिफ्टेड बाय नेचर, नेचर ने ही तो प्रोवाइड किया ना, इंसानों ने थोड़ी बनाया है, तो उसे एक एज अ रिसोर्स यूज़ करने लगे। सिर्फ मिट्टी ही क्यों, हवा, पानी, डीजल, पेट्रोल, कोयला, सारी चीज़ों को तो हम एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें हमें नेचर से ही मिल रही हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, और ये मिट्टी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए, ज़्यादा खेती में उपज हो, ज़्यादा क्रॉप्स उगे, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड यूज प्रोफ्यूजली। नाउ व्हाट इज़ प्रोफ्यूजली मीन्स, कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो यूज़ करने लगे, क्या क्या, ज़्यादा उनको क्रॉप्स उगाने हैं उसके लिए क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब जो खाद वगैरह होते हैं वो केमिकल वाले यूज़ करने लगे, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड मतलब कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे।
ये इसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। सॉइल फर्टिलिटी उसमें बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब केमिकल पे केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिग्रेड तो होगा ही, उसकी क्षति तो होएगी, वो कम तो होगा ही। अर्थ डजंट मीन सॉइल, अर्थ का मतलब सॉइल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे हमने डिटेल में देखा, मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था ये, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।